हेलो एवरीवन, क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के बैच में आप सभी का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री के अंतर्गत हम आप लोगों को हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हमने आपको कई सारी बातें बता दी। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है सैंड मेयर अभिक्रिया। इंग्लिश में भी इसे हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंड मेयर रिएक्शन। इसमें होता क्या है, इसमें किसी भी एनिलीन को, ध्यान से समझिए, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में बदलने का काम सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है। बात समझ में आ रही है कि किसी भी एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में आप सैंडमेयर अभिक्रिया के द्वारा बदल सकते हो, और एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में बदलने के लिए आपको डाई एजोनियम क्लोराइड का रास्ता अपनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। कहने का मतलब है, अगर आपसे कोई पूछे सैंडमेयर अभिक्रिया क्या है, तो आप कहिए कि सैंडमेयर अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिससे एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में परिवर्तित किया जाता है। एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कैसे बदला जाता है, तो एनिलीन को पहले डाई एजोनियम क्लोराइड में बदलते हैं और उस डाई एजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। अब आप में से कई लोग होंगे जो फार्मूला नहीं जानते होंगे, तो बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा देते हैं तो इसे हम लोग एनिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। और बेंजीन के ऊपर अगर N2Cl लगा लेते हैं तो इसे हम लोग डाई एजोनियम क्लोराइड कहते हैं। और बेंजीन के ऊपर जो Cl होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन कहते हैं। बात क्लियर हो गई। तो सैंडमेयर अभिक्रिया एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाता है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर N2Cl और बेंजीन के ऊपर Cl। तो एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाने का तरीका जो है वह सैंडमेयर अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया कई स्टेप में होती है, कई पद में होती है, जिसमें हम आपको स्टेप 1 बता रहे हैं। इसमें हम करते क्या है कि आप एनिलीन ले लेते हैं बेंजीन के ऊपर NH2, और उसका रिएक्शन HNO2 या NaNO2 और HCl के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज के बाद जब भी आप एनिलीन का कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे, एनिलीन के रिएक्शन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की अभिक्रियाओं को संपन्न कराओगे, तो आपको यह याद रखना पड़ेगा कि एनिलीन हमेशा यह रिएक्शन जरूर करेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि सैंडमेयर अभिक्रिया कराओ, नहीं, आज के बाद कोई भी अगर रिएक्शन आप करा रहे हो, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया करा रहे हो, तो उस अभिक्रिया में अगर आपने एनिलीन का यूज किया हुआ है तो एनिलीन के साथ यह कंडीशन आपको लगानी ही पड़ेगी। यह जरूरी है, क्योंकि बिना यह कंडीशन लगाए आपका एनिलीन कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अगर हम कहते नहीं एनिलीन का फिनाल से कराओ, एनिलीन का सोडियम से कराओ, एनिलीन का क्लोरीन से कराओ, भैया वह किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया नाइट्रोजन के ऊपर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन खाली होते हैं, लोन पेयर खाली होता है। इस लोन पेयर होने के कारण, खाली इलेक्ट्रॉन होने के कारण और युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण नाइट्रोजन पर कोई आक्रमण नहीं कर पाता। फिर से समझिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। जब इसको आप लिखेंगे तो 2.5 लिखेंगे, यानी कि नाइट्रोजन के चारों तरफ आप 5 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये 3 तो बॉन्डिंग बना लेता है, लेकिन यह वाले बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। इसे ही केमिस्ट्री की भाषा में लोन पेयर कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
तो एनिलीन में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर पाया जाता है, इसलिए एनिलीन को कोई डायरेक्ट तोड़ नहीं पाता है। आपसे टीचर पूछेगा कि अगर मान लो हम यह कंडीशन ना लगाएं, कुछ और कंडीशन लगाएं, तो क्या यह संभव है? तो आप कहिएगा नहीं संभव है, इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज नाइट्रोजन हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट अट्रैक्ट एनी अदर एटम्स। नाइट्रोजन के पार लोन पेयर होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके कारण कोई भी यौगिक इस पर आक्रमण नहीं करेगा। और आक्रमण नहीं करेगा तो आपको यह कंडीशन देनी पड़ेगी, NaNO2 और HCl लगाना पड़ेगा। अच्छा, किताबों में HCl की बजाय HX लिख देगा, मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लियर? और टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर याद रखिएगा 0 से 5 होगा, या NCERT में देखेगा तो 273 से 278 केल्विन लिखा हो, क्योंकि 0 डिग्री को अगर केल्विन में बताया जाता है तो 0 का मतलब 273 ही होता है। तो जब आप यह रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान दीजिए, आपको यह याद करना पड़ेगा कि बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, N2Cl, N2, और चूंकि यहां X है तो Cl नहीं होगा, N2X होगा। बात क्लियर है? यहां पे बेंजीन के ऊपर NH2, यहां पे बेंजीन के ऊपर N2X, इसी को हम लोग कहते हैं डाई एजोनियम साल्ट। और यह जो साल्ट है यह अनस्टेबल होता है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज भी लगा होता है। कहने का मतलब है कि जब आप एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 और HX के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराएंगे तो बेंजीन के ऊपर N2X लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर N2X को ही डाई एजोनियम साल्ट कहा जाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और एक्स के ऊपर माइनस लिखते हैं, क्योंकि यह उतना स्थाई नहीं होता, यह एक प्रकार का अस्थाई अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो कुछ सेकंडों के लिए बनता है। और फिर इस डाई एजोनियम क्लोराइड को, ध्यान दीजिए, N2X को आप CuX के प्रेजेंस में, Cu2X2 के प्रेजेंस में जब आप रखते हो तो क्या हो जाता है, यहां से नाइट्रोजन गैस बाहर हो जाती है और एक X इसके ऊपर हो जाता है। यह ओवरऑल रिएक्शन जो है वह आपका सैंडमेयर रिएक्शन कहलाता है। थोड़ा सा टफ रिएक्शन है, समझने में थोड़ा दिक्कत होती है लोग, क्योंकि हर रिएक्शन में हमने बताया था यह बाहर निकल जाता है या बच जाता है। यहां पर देखिए क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर NH2 है, NaNO2 और HX के साथ क्रिया कर रहा है, यह X यहां पर जाकर के लग गया, इसका N यहां पर जाकर के लग गया, और यह बना आपका डाइजोनियम साल्ट। अगर X है तो डाइजोनियम हैलाइड कहेंगे, क्लोरीन लगा है तो डाइजोनियम क्लोराइड, ब्रोमीन यहां लगा है तो डाइजोनियम ब्रोमाइड। और फिर इस डाइजोनियम ब्रोमाइड का रिएक्शन Cu2X2 के साथ कराएंगे तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और बचा हुआ X क्या होगा, बेंजीन के ऊपर लग जाए। अब होता यह है कि लोग सोचते हैं सर जब यह रिएक्शन आप कराए तो ये Na वगैरह कहाँ गया, Na वगैरह भी साथ में बनता है, लेकिन चूंकि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हमको मेन उत्पाद याद रखना है, मेन प्रोडक्ट याद रखना है, वह सब चीजें एक मिक्सचर मतलब मिश्रण के रूप में बाहर चली जाए। बात क्लियर हो गई? तो फिर से देखिए, एनिलीन का ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 ही एनिलीन का फार्मूला है, NaNO2 और HX के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो बेंजीन के ऊपर N2X हो जाता है, N2X का मतलब N2 पे प्लस चार्ज और X पे आपका माइनस चार्ज जाता है। फिर N2X का रिएक्शन C2X2 के साथ कराते हैं और यह आपका प्रोडक्ट बन करके आता है। जब भी आप डाइजोनियम साल्ट का रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान रखिएगा ये नाइट्रोजन गैस हमेशा हर रिएक्शन में बाहर ही निकलेगी। तो यह आपका पूरा ओवरऑल स्टेप है सैंडमेयर रिएक्शन का। अब एग्जाम के क्या आएगा, जैसे यहाँ HX की जगह मान लीजिए HBr लिखा, तो यहाँ पर आप X की जगह क्या बनाएंगे, Br, और X की जगह जो जब Br बनाएंगे, और मान लीजिए यहां पर लिखा है Cl2,
तो अब आपको कंफ्यूजन होगी कि यह जो यह एक्स है इसकी जगह बी आर वाला लिखे कि सी एल वाला लिखे। तो हमेशा याद रखिएगा कि यह वाला लिखा जाता है, तो यहाँ बी आर न लिख करके आप क्या लिखेंगे सी एल, और जो बी आर है वो सी यू के साथ मिल करके अपना अलग प्रोडक्ट बना लेगा। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यह वाला हेलोजन नहीं लिखा जाता है, इसके साथ वाला जो हेलोजन है उसको हम ऊपर लिखते हैं। मान लीजिए हेलोजन ही नहीं लगा, सीएन लगा हुआ है, तो यह साइनोबेंजीन बना लेगा, क्लोरोबेंजीन नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही? फिर से देखिए, यह रिएक्शन कराए, जो यहां पर ब्रोमीन लिखेंगे तो यहां ब्रोमीन लगाइएगा, यहां क्लोरीन लिखेंगे तो यहां क्लोरीन लगाइएगा, और इसमें यहां पर जो लिखेंगे वो ऊपर लगाना है। हमेशा याद रखिए जो इसके साथ में प्रोडक्ट लिख रहे हैं उसे ही आप पावर में ले जा करके लगाएंगे और कोई प्रोडक्ट नहीं लगाएंगे। यह रिएक्शन थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि सैंडमेयर रिएक्शन क्या होता है। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाता है, इसमें सबसे पहले एनिलीन को डाइजोनियम क्लोराइड में कहते हैं। डाई एजो का मतलब भी समझ लीजिए, डाई का मतलब दो और एजो का मतलब नाइट्रोजन। पुराने समय में नाइट्रोजन को ही एजो कहा जाता था, इसलिए इसका नाम डाई एजोनियम रख दिया गया। अब चूंकि यहाँ ब्रोमाइड है तो इसे डाइजोनियम ब्रोमाइड कहेंगे, यहाँ पर अगर क्लोराइड होता तो डाइजोनियम क्लोराइड कहते, और जब इसका रिएक्शन कॉपर साइनाइड से मान लीजिए कराए तो यह सीएल जाकर के लगेगा, अगर सीएल से कराए तो यहाँ पर सीएल जाकर के लगेगा, अगर बीआर से कराए तो बीआर जाकर के लगेगा, क्योंकि हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है इसलिए हम सीएल से करा रहे हैं। ब्रोमो बनाना होता तो यहाँ पर बीआर लिख देते, आयडो बनाना होता तो आयडो लिख देते, क्योंकि आयडो और फ्लोरीन इतना जल्दी बनते नहीं है, तो हम लोग इसी स्टेप के द्वारा सैंडमेयर अभिक्रिया को करते। बात क्लियर हो गई? सैंडमेयर अभिक्रिया के बाद जो अगली हेडिंग आपकी इस चैप्टर की आती है वह आती है काइरलता। काइरलता एक गुण है, इसके कई सारे टॉपिकों को इस वर्ष कोर्स से हटा दिया गया है, काइरलिटी के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे दोनों हाथ हैं तो दोनों हाथ को अगर हम लोग फोल्ड करके रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, तो एक हाथ दूसरे हाथ को पूरी तरह से ढक लेता है। ऐसे ही केमिस्ट्री में कुछ ऐसे यौगिक होते हैं जिनको हम लोग एक सममित रेखा से अगर डिवाइड कर दे और फोल्ड करके रख दे तो एक यौगिक दूसरे यौगिक को क्या कर लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। जैसे बेंजीन रिंग है, यह हमने एक सीधी रेखा मान लीजिए खींच ली, इसे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं या सममित रेखा कहते हैं, और यहां से अगर हम इसको फोल्ड किए तो ये वाले कार्बन के ऊपर देखना ये वाला कार्बन आया, ये वाले कार्बन के ऊपर ये वाला कार्बन। अगर किसी यौगिक में एक दूसरे के प्रतिबिंब का गुण पाया जाता है तो उसे काइरलता कहते हैं। इन एनी कंपाउंड दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ प्री इमेज ऑफ वन अनदर, दैट इज नोन एज काइरलिटी। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग यह लिख रहे हैं, हमने यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री खींची, ऊपर से खींची, अब इसको फोल्ड करके कितनों रख लो, पूरे को ढक लेगा क्या, नहीं ढक पाए, तो इस केस में हमारे लिए यह काइरल नहीं होगा, यह काइरलिटी को शो नहीं करेगा। काइरलिटी का मतलब है कि कोई भी ऐसा प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी ऐसी सममित रेखा से अगर हम काट करते हैं, उसे फोल्ड करते हैं, तो एक दूसरे को ढक लेगा। जैसे हमने कहा कि एक गिलास है, यह दूसरा गिलास है, एक जब ऊपर से हम फोल्ड करेंगे तो यह गिलास इसके ऊपर ढक जाना चाहिए, पूरी तरीके से इसके ऊपर ओवरलैप हो जाना चाहिए। तो अगर मान लीजिए बेंजीन इस केस में नहीं ओवरलैप हो रहा है लेकिन इस केस में हो रहा है ना, तो यह हमारे लिए काइरल है। किसी भी एक केस में अगर ढक लेता है तो इसे हम लोग काइरलता की श्रेणी में मानेंगे। जैसे मान लीजिए अगर यह दोनों एग्जाम्पल नहीं समझ में, आप यह एग्जाम्पल देखिए, चार यौगिक बने, यहाँ पे सीएल, यहाँ पे सी, अगर हम यहां से एक लाइन खींच दें, या जो है हमारी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ऐसे एक लाइन माननी पड़ेगी, और इसको ढकें, तो देखो यह वाला कार्बन इस वाले कार्बन के ऊपर जाएगा, यह वाला कार्बन इस वाले कार्बन के ऊपर जाएगा, और यह वाला क्लोरीन इस वाले क्लोरीन के ऊपर।
एक दूसरे के ऊपर ढक लेगा, चाहे हम वो सीधे लाइन खींचे जिसको हम लोग हॉरिजेंटल या वर्टिकल खींचे, ऊर्ध्वाधर या सम्मुख खींचे, किसी भी प्रकार की रेखा खींचते हैं, किसी भी प्रकार की लाइन खींचते हैं, तो संरचना अगर एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती हैं तो केमिस्ट्री की भाषा में इसे ही कायरलता कहा जाता है। और इस कायरलता हेडिंग के अधिकतर कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया है कोर्स से, लेकिन आप आगे चल करके जब जैव अणु नामक चैप्टर पढ़ेंगे, बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, तब आपको इसके बारे में और भी कई सारी जानकारी मिलेगी। तो आज हमारा हेलोएल्केन और हेलोअरिन चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया। आपने इसके अधिकतर टॉपिक, या अधिकतर का मतलब सारे टॉपिक आपने जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थे वह आपने पूरी तरह से पढ़ लिए। तो आज के लिए इतना ही।